रिव्यू करने वाले हैं कलर पॉप का न्यू रेंज. आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितना न्यू है, बट दिस इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड शुगर पॉप. एंड इसमें मैंने तीन चीज़ें ऑर्डर की हैं. ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है. तो इसमें फाउंडेशन, कंसीलर और कॉम्पैक्ट है. इसकी पैकेजिंग के साथ साथ हम पूरा दिखाएंगे. यूजुअली मैं पैकेजिंग फेंक देती हूँ पहले ही, एज यू नो, बट इसकी पैकेजिंग भी देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज फाउंडेशन. दिस इज लिक्विड फाउंडेशन इन द शेड 04 पीनट. और हाँ, इसकी पैकेजिंग मैं फेंक चुकी हूँ, ये आप अच्छे से प्यार से सामने से देख लो. ठीक है, सो एज आई हैव अ बिग फेस, आई हैव टेकन टू पम्प्स. इट इज ऑलमोस्ट सेमी लिक्विड, नॉट वेरी फ्लोई. I had little coverage before that, so ये light weight है, ये buildable है. तो I think it, अगर आप second coat भी इसका लगाते हैं तो it will give a good. So the concealer is in the shade 02 and it's walnut, 02 walnut. Foundation is actually a good match. मैंने अच्छी color matching की है. मैं जब भी अब online without testing कुछ भी order करती हूँ, I usually prefer to give it a try to darker colors, because ये tendency होती है कि white या medium हम ले लेते हैं और वो हमेशा light होता है. So even if foundation is dark and I might also see कि oxidize होता है कि नहीं थोड़ी देर में, तो concealer light color का होता है, so it compensates. White color का foundation लगाने का कोई sense नहीं है. इन सब के price description और details जो हैं हम description box में नीचे डाल देंगे. Light in the sense of इसका जो मटेरियल है उसकी मैं बात कर रही हूँ. तो हम, क्योंकि ये लिक्विड हाइलाइटर कंसीलर है, सो विल जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड एंड स्टार्ट ब्लेंडिंग. यहाँ सो कॉम्पैक्ट का कवर, वैसे कलर के बारे में मैं कहूँगी, ग्रीन कलर इज एक्चुअली वेरी नाइस. दिस इज ऑल इंग्लिश कलर विच इज वेरी मच इन फैशन राइट नाउ. तो इसे ओपन करते हैं और ओपन करते साथ ही देखते हैं कि मिरर टूटा हुआ है. प्लीज़ देख लीजिए, और ये यहाँ भी पूरा बिखरा हुआ है. तो आई डोंट नो मैं इस पाउडर को कितना लगा पाऊँगी. सो आई विल बी बैक आफ्टर क्लीनिंग ऑल दिस. अब मैंने इसका प्लास्टिक और स्पंज निकाल दिया और ये कॉम्पैक्ट ऐसे बाहर आ रहा है. आई डोंट नो इट इज़ मेंट टू बी लाइक दैट और नॉट, बट हाँ, इसमें पीछे गम दिख रहा है तो आई एम श्योर कि ये स्टिक होना चाहिए. सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द पैकेजिंग. सो ऑन कैमरा आई डोंट नो वाई इट इज़ लुकिंग सो ग्रे, बट सामने से ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है. सो आई एम क्वाइट हैप्पी राइट नाउ. ऑल इन ऑल इट्स गुड. आई विल टेक यू थ्रू आउट द डे. हम इसे रात को 8 या 9 बजे तक रखने वाले हैं. सो ऑब्वियसली इट विल टेल कि ये कितना अच्छा है कितना नहीं है. आई हैव लॉट ऑफ पोर्स टू जज दिस वेरी नाइसली. सो आई एम चेकिंग एट 8:30, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 9. एंड आई मस्ट से कि फाउंडेशन इज़ ओके, it's fine according to the budget and whatever the coverage and everything. As you can see, the concealer has really failed. As you can see under my eyes, kuch bhi bacha hi nahi hai, hai hi nahi. Even maine jo nose pe highlighting kiya tha, yahan pe bilkul, I don't know, camera utna capture nahi kar raha hai shayad, lekin bilkul yahan se wo product hi hat gaya hai. Matlab foundation bhi hila diya usne bilkul tamiz se. So concealer is a big no for me. एंड पाउडर वॉज जस्ट फाइन, इट वॉज जस्ट लाइक सेटिंग इट अप. जबकि मैंने कंसीलर के साथ पाउडर भी लगाया था, तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द पाउडर एज वेल. इट्स जस्ट, इवन ब्राइडल मेकअप तब करके आप कर सकते हो उनसे. इतने अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं कई ब्रांड्स में. सो ऑल इन ऑल इट्स अ फ्लॉप शो. आई डेंट नॉट लाइक इट. मैंने 3 ही प्रोडक्ट ट्राई किए हैं शुगर पॉप के. आई डोंट नो अबाउट द अदर प्रोडक्ट्स. So it's a big no for me. I'm very sorry. Please do not invest, even if it is very cheap or you know affordable. I am not very sure. Click on the bell button if you like me, and if you don't, even it's okay.